स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर 1 दिसंबर को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से निकलने वाली विशेष स्वच्छता रैली की तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने GDA सभागार में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक किया। बैठक में बताया गया कि स्वच्छता रैली प्रातः 8:30 बजे निकाली जाएगी, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से आरंभ होकर छात्र संघ अम्बेडकर चौक, शास्त्री चौक, चेतना तिराहा, पार्क रोड होते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय पर आकर समाप्त होगी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि रैली के साथ एम्बुलेंस भी रहे तथा एक निश्चित दूरी पर भी एम्बुलेंस खड़ी रहे। उन्होंने रैली में प्रदर्शित होने वाले बैनर एवं पोस्टर आदि का भी अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा, ADM प्रशासन प्रभुनाथ, अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा, BSA BN सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं पार्षद व नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा, सर मैडम MP इंटरप्राइजेस से सर तहसील के सामने से निकलने के लिए सर, ठीक है, और फिर चौराहा और बड़े चौराहा से फिर जो है पार्क रोड से मुड़ने के लिए, और पार्क रोड पे से फिर जो हाँ SSC का फिर बंगले सामने होती है उस रोड पे आकर के, और मतलब गोलगे की तरफ से आके, हाँ गोल यानी जो इंदिरा आगे बढ़ता सर जो है वो गणेश चौराहा है, गणेश चौराहा, गणेश चौराहा से फिर पार्क रोड पे, पार्क रोड से फिर जो है सर जो है SSP साहब घर के सामने वाला जो रोड है उससे आकर के फिर MP में कॉलेज में मिलता है, फिर अंदर MP में। छोटा तो नहीं पड़ेगा, हम लोग कौन सी जो उसका स्वच्छ इसके लिए JEE AES का एक अभियान कराए, तब तक वो मतलब वो सर निकला तो तब तक पीछे जुड़ गया छोटा पड़ गया। तो गणेश चौराहा पे आ जाए, यूनिवर्सिटी रोड से घूम कर से यूनिवर्सिटी चौराहा जो है MP में अंदर चला जाएगा सर। पार्क रोड होते हुए पूरा यूनिवर्सिटी चौराहे पर आकर सर विश्वविद्यालय मुख्य गेट से फिर सर घर ले जाया जाए, हाँ वही MP सीधा पड़ेगा, वही बात हुई है आपका जो मेन गेट है प्रशासन, नहीं नहीं डेढ़ नहीं है, आप गाड़ी उठाना पे डेढ़ नहीं है, 5-5 के आसपास है बिल्डिंग, तो यूनिवर्सिटी मेन गेट से सर। इसके अलावा फिर वार्ड वाइज भी कर लें क्या? अच्छे आ रहे हैं सर, तो जो पिछला VC हुआ था माननीय मंत्री जी का, तो उनका ये था कि जो है जब वो चले भी तो अपना मतलब लगे कि रैली करते हुए आ रहे हैं, फिर एरिया गैदरिंग में फिर एक सामूहिक हो जाए सर। सर जब वहाँ से जब डिस्पर्स करेंगे तब सर एक थोड़ा सा छोटा सा अपना स्कूल से वो निकल कर आएंगे जब वापस, जब सर जिसके से आ रहे हैं सर जैसे AD वाले हैं वो तो भाई वो मतलब पैदल ही आ रहे हैं रैली में, अपना जो भी उनका 100-150 जो भी बच्चे हैं वो उसमें 300 उसमें चले आए उनका जो बच्चे कहाँ कहाँ से आएंगे, वैसे MP कॉलेज में हम लोग एकत्रित करेंगे, अब उसके पहले आप स्कूल में असेंबल होंगे उसके बाद लेके आएंगे आप जी सर बच्चे का, वहाँ कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं नहीं तो विलम्ब हो जाएगा, यहीं कर लेंगे 7:30 बजे बच्चों को बोल दिया जाएगा, सब वहाँ जो है प्रिंसिपल और टीचर वहाँ लेके आ जाएंगे इकट्ठे हो जाएंगे, यही जो असेंबल हो जाएंगे ज़्यादा जाएगा सर, ठीक है। इसमें सर अगर शुरू में ही हम आएंगे रैली में तो जब हमें निकालनी है रैली तो मेहमान भी हो सकता है, ठीक पुलिस हो गए रहेगी CMO विभाग से कोई है एम्बुलेंस का कहाँ कहाँ खड़ा करना है उसे सर
कुछ सर जगह जगह पे स्टेशन कर दिया है ठीक है, मतलब एक डॉक्टर पानी का सर स्टॉल लगा दिया जाएगा, किसी को अगर जरूरत पड़ेगी तो सर दे दिया जाएगा लोगों के लिए। ये वो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसी के बेस में है, ये कंटेंट कहाँ से आई है? ये वही उसी से निकाला, नेट से निकाला गया है। और लोगों को सर उस पर करते हैं टीम पे सर उसको बना दी सर, इस तरीके से प्रॉपर जो या जो निकलती है सर इंडिया गेट पर उसमें ट्रेलर होती है जो जो ओपन रहता है सर उतना सर जाता है, बस ये था कि किसी को आर टी ओ किसी को सर एक ट्रेलर एक दिन के लिए पकड़ना होता है। ऐसे भी सर उस समय ट्रेलर्स का भी सर मोमेंट्री वाला टाइम होता है, लंबा वाले ट्रेलर सर ट्रेन लंबा रूप आएगी बीच में दिल्ली में वो तो सर पूरा रूट तो सर क्लियर ही कराना पड़ेगा सर, 10,000 बच्चे जा रहे थे तो और जितने भी जो रूट हैं सर सब बहुत थोड़े छोटे तारीख को यहाँ स्वच्छता रैली निकलने वाली है, माननीय मुख्यमंत्री जी आने के लिए प्रस्तावित है, उसी के हिसाब से हम लोग यूनिवर्सिटी से निकल करके करीब 4 किलोमीटर हम लोग पूरा रैली निकलेंगे, करीब 10,000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस रैली को। अब सबको स्वागत करता हूँ आप लोगों का।